दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन प्रोवाइजो एज एन इंटरनल एड. तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रोवाइजो इज़ दैट दैट इट शुड नॉट बी टेकन एब्सोल्यूटली इन इट्स स्ट्रिक्ट लिटरल सेंस बट ऑफ नेसेसिटी लिमिटेड टू द एम्बिट ऑफ द सेक्शन विच इट क्वालिफाइज. अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें याद रखना चाहिए कि इफ़ अ प्रोविजो हैज़ अ मोर एक्सटेंसिव ऑपरेशन then it must be given such wider effect. The other note, in case there is a contradiction between a proviso and the main enactment, obviously and always the proviso shall prevail. And the reason behind the prevailing of the proviso over the enactment is that, that the proviso always shows the last intention of the legislature. अब यहाँ पर जो प्रोवाइजो का इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से करना चाहिए सो दैट इट कैन रिकनसाइल द इनएक्टिंग क्लॉज एंड इन प्रोवाइज एंड इट्स प्रोवाइजो एंड इट शुड ऑल्सो अवॉइड द रिपगनेंसी बिटवीन द इनएक्टमेंट एंड द प्रोवाइजो टू विच इट इज़ अ प्रोवाइजो राइट. बट वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड दैट द प्रोवाइजो हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेन इनएक्टमेंट. दैट इज़ टू से अगर मेन इनैक्टमेंट रिपील होता है तो प्रोवाइजो ऑटोमेटिकली या इम्प्लाइडली खुद ही रिपील हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट केस ऑन प्रोवाइजो एज एन इंटरनल एड. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है टी देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. यहाँ पर जो पिटिशनर हैं वो आर्ग्यू ये करते हैं दैट ही वुड हैव हैड अ चांस ऑफ प्रमोशन अगर यूपीएससी एडहेयर करती अपने रिजर्वेशन कोटा फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को. इंस्टेड जो कमीशन था उसने अडॉप्ट कर लिया कैरी फॉरवर्ड रूल को एंड जो रिजर्वेशन कोटा था वो स्वेल अप हो गया टू द 65% विच रिजल्टेड इन टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1. बट जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 16(4) के परस्पेक्टिव से ये जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है इट वॉज लीगली वैलिड. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो अनलिमिटेड रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16(4) इट वुड डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 16(1) प्लस क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16 एंड हेंस इट कैन नॉट बी सो इंटरप्रेटेड सो एज इट वुड डिस्ट्रॉय द मेन इनएक्टिंग प्रोविजन टू विच इट इज़ अ प्रोवाइजो एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो फर्स्ट पार्टी थी उसे कंटेंशन को एक्सेप्ट किया. रिस्पोंडेंट के कंटेंशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया.